नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। विश्व विख्यात युवा संत स्वामी हरि चैतन्यपुरी महाराज ने दक्षिण कोरिया के सियोल ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन एवं यूनिवर्सल पीस रैली में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। इस आयोजन में दुनिया के 157 देशों के 1,00,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। स्वामी हरि चैतन्यपुरी महाराज ने इस सम्मेलन में भारत का दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर देश को गौरवान्वित किया। Senior Pastor of Thomas Road Baptist Church in the U.S., A. and Swami Hari Chaitanya Maharaj Ji Sri Hari Kripa Ashram from representing Hinduism and Venerable Maitipe. ये मेरे सौभाग्य है ये विश्व धर्म संसद में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। दूसरी बार, पहली बार जो सियोल ओलंपिक स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ 2017 में, विश्व शांति के लिए, यूनिवर्सल पीस के लिए और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को आपस में मिलाने के लिए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। हमारे बोलने के 2 महीने बाद ही दोनों देश 67 वर्षों बाद आपस में मिले, शत्रुता को भुला कर। अब जो ये दूसरी रैली थी उसमें भी 102 देशों के लोग थे, 1,25,000 लोग थे, अनेक राष्ट्राध्यक्ष थे, 76 एम्बेसडर थे, विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य, प्रमुख धर्माचार्य थे। दूसरी जो रैली हुई है, दूसरा जो धर्म संसद हुई, जिसमें 157 देशों के लोग सम्मिलित हुए और 1,00,000 से अधिक लोग वर्चुअल और सामने सशरीर मिला करके सम्मिलित हुए, इसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हमारा जो सबसे बड़ा प्रयास है कि हर ओर शांति का साम्राज्य हो, और मुझे गर्व है, भारतीय होने पर गर्व का अनुभव है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, कि हमारे भारतवर्ष ने विश्व को वो संदेश दिया है जो शायद अन्यत्र कहीं नहीं मिला। वहां भी मैंने यही कहा था कि आप यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स की चर्चा आपने कहीं नहीं की, ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति तक, वर्ल्ड पीस तक पहुंचे हैं आप। लेकिन मुझे नाज है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, भारत के उन महान वैज्ञानिक ऋषियों पर जो सनातन काल से डिम डिम घोष करते आए हैं, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रौखदय शांति, वनस्पतय शांति। एक भारतवर्ष है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहता है, पाताल में भी शांति चाहता है, पृथ्वी पर भी शांति चाहता है, औषधियों वनस्पतियों में भी शांति चाहता है। ज्यादा क्या कहूं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है। और मैं दावे से कह सकता हूं 99 कंट्रीज में, 99 देशों में व्यक्तिगत तौर पर मैं जा चुका हूं, 172 देशों के लोग इस वाणी से जुड़े हैं, विश्व के करोड़ों लोग इस वाणी से विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं। कि सारी दुनिया ने इस संसार को एक बाजार समझा है। चाइना अपना बाजार खोजता है, जापान बाजार खोजता है, कोरिया बाजार खोजता है, अमेरिका अपना बाजार खोजता है, हर आदमी अपनी प्रोडक्ट के लिए या अपने विभिन्न साधनों के लिए बाजार खोजते हैं। इस संसार ने सारी दुनिया को एक बाजार समझा है, और गर्व से कह सकता हूं मेरे भारत ने सारी दुनिया को एक परिवार समझा है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर सनातन काल से ये संस्कृति चली आ रही है, उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो जो प्लेटफॉर्म जिस पर मुझे कल भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला, वो भी इसीलिए था, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार बन करके रहे। ये जो बात बात में हम अशांति फैलाते हैं, अशांति के घटक बनते हैं, वो हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। आज सारी दुनिया एक ऐसे काल से गुजर रहा है, संभावित यंत्रणा काल से गुजर रहा है, यहां कब क्या हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते आप। संपूर्ण विश्व एक संभावित यंत्रणा काल से गुजर रहा है, ऐसे में मेरी सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हम सभी विभिन्न प्रकार की संकीर्णताओं और मतभेदों को त्याग कर आपसी प्रेम, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें, मिलजुल करके रहें,
इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। लोग लूट करके ले गए हमारा ही सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर खजाने, कितना भी लूट करके ले गए, कभी अंग्रेज लूट करके ले, कभी मुगलों ने लूटा, अपने लूट रहे हैं। लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है, जिसका व्यवसाय बना करके नहीं, चंद लोग भी निस्वार्थ भाव से एकजुट होकर के अपना नहीं, इस भारतीय धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में जुड़ जाएं, मेरा भारत फिर से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो, विश्व शांति हो, भारत की धरा से ही सारी दुनिया में शांति का संदेश फिर से गूंजे, यही भाव रहा है। और इसी शुभकामना के साथ, प्रभु से प्रार्थना के साथ, सबके मंगलमय जीवन की शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ, इस चैनल के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद। उत्तराखंड में महामारी कोरोना से लड़ने के लिए 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए दूसरी डोज लगने के 9 महीने पूरे होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। हेल्थ वर्कर्स व फ्रंट लाइन में कार्य करने वालों को भी तीसरी डोज लगेगी। तीसरी डोज के लिए 20% वैक्सीन उपलब्ध होगी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी माता जी के साथ पूजा अर्चना की। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन संस्था द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर बाजपुर के समाजसेवी एवं भाजपा अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी व बलदेव सिंह नामधारी ने संस्था की सदस्यता ग्रहण की। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विक्की राजकुमार सौदा व अन्य सदस्यों ने उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सप्रा, प्रदेश कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई, जिला संगठन मंत्री निर्मल ठाकुर आदि मौजूद थे। काशीपुर महानगर में नवांगतुक उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देंगे और विधानसभा चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू करेंगे। प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर काशीपुर के बॉर्डर पर सख्ती के नियमों का पालन शुरू कर दिया है। नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह सानी ने बताया कि शहर की सीमा पर बाहर से आने वालों की कोरोना जांच की जा रही है, साथ ही वैक्सीन की दोनों डोज लगने का सर्टिफिकेट देखा जा रहा है, इसके बाद ही शहर में एंट्री मिलेगी। जितने भी आने वाले यात्री हैं उनके लिए बॉर्डर पे वैक्सीनेशन और सैंपलिंग की दोनों की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, जो कि सुबह प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक प्रतिदिन चालू है। जो भी व्यक्ति दोनों डोजेस लगवा के अंदर आ रहा है बॉर्डर पे, उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट कर दिया जा रहा है और उसको आने की अनुमति है। और जिन्होंने पहली डोज लगवा रखी उनकी अगर सेकंड डोज का टाइम हो गया तो उनको सेकंड डोज लगा दीजिए, और जिन्होंने डोज नहीं लगवा रखी उनको फर्स्ट डोज लगा के ही अंदर एंट्री दी जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में 6 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीजों को दवा की किट देकर होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में 22 ऑक्सीजन बेड भी तैयार किए गए हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कोविड के केस काफी बड़े हैं, हमारे यहाँ भी केस आ रहे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 6 या 7 केस पिछले एक हफ्ते में आए हैं। इसके लिए हमने ज़रूरी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। हमारे पास यहाँ पर 22 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, जिन पर आज तक अभी तक कोई मरीज अभी तो भर्ती हुआ नहीं है, हमारे 22 के 22 बेड खाली हैं। इसके अतिरिक्त जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं हम उनको दवाइयों की किट बांट रहे हैं और होम आइसोलेशन कर रहे हैं 7 दिन का। कटीमा में
ईस्टर फैक्ट्री प्रबंधक अजय मेहता ने अपना जन्मदिन मीरा यूथ फाउंडेशन के साथ मिलकर मनाया। उन्होंने फाउंडेशन को सिलाई मशीनें भेंट की। फाउंडेशन ने असहाय और जरूरतमंद लोगों को यह मशीनें स्वरोजगार के लिए दी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। एक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है जिसमें ये हर जरूरतमंद बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, उनको रोजगार की ओर बढ़ा रहे हैं। जैसे स्विंग मशीन के माध्यम से उनको सिलाई कढ़ाई का काम, उसके अलावा कंप्यूटर्स का नॉलेज और विभिन्न प्रकार के निष्पक्ष रूप से मीरा यूथ फाउंडेशन काम कर रहा है। सीमांत क्षेत्र खटीमा के वन रेंजर RS मंडराल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जनकैया रोड स्थित बंगाली कॉलोनी के पीछे खकरा नाले के किनारे सागौन से 15 गिल्टे बरामद किए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि लकड़ी कहां से लाई गई थी। मुझे जो है मुगल द्वारा सूचना दी गई कि जंगिया रोड पर जो है बंगाली कॉलोनी के पीछे जो है एक खतरा नाला पड़ता है, वहाँ पर कुछ लकड़ी सागौन की पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है। तो मेरे द्वारा जो है पुलिस के स्टाफ को लेकर जो है कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जो है 15 लकड़ी सागौन के पकड़े गए जिनको उठा करके जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। महानगर काशीपुर में हाईवे पर कूड़े के ढेर से आधी सड़क घिरी रहती है। कचरे में खाने की सामग्री तलाशते पशुओं से पैदल चलने वालों के साथ ही वाहन चालकों को भी दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रविवार को प्रदेश में एक दिन में 1413 लोग कोरोना के चपेट में आए हैं, जबकि देहरादून में जिले में सबसे अधिक 505 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में संक्रमण की दर 7.79% हो गई है। चुनावी साल और कोविड के बढ़ते मामलों को प्रदेश भर में CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। मिनट के बीच ही रिपोर्ट देते हैं उनकी, लगभग कम से कम 10 मिनट तो उससे रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इतने तक प्रॉपर सैंपल लिया है उसके भी इतने प्रॉपर तक रिपोर्ट नहीं आएगी, इतने तक हम रिपोर्ट नहीं देते उसके। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।